नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे ऑन बैलेंस वैल्यूम के बारे में बात करेंगे, जो मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छा पावरफुल इंडिकेटर है जो कि आपके वैल्यूम को दर्शाता है। इसमें जमा कितना हो गया, वितरण कितना हो गया, नहीं क्या इस तरीके से। तो ये आपको मैं दिखाऊंगा। खास तौर पर ये जो एक एक किसी के स्टॉक में किसी में ज़्यादा वैल्यूम है या फिर वैल्यूम किस तरीके से है, ऑन वैल्यूम बैलेंस के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। तो इसमें दो चीज़ें खासकर फोकस करेंगे कि एक्युमुलेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि इसमें जमा कितना हो रहा है, वितरण कितना हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि आ कितना रहा है, जा कितना रहा है, इस तरीके से ये इसके बारे में हम फोकस वही रहेगा। तो एक ये एक इंडिकेटर है जो काफ़ी लोगों को मेरे ख्याल से पता नहीं होगा कि ज़्यादातर लोग इसका कुछ अनुमान लगाते हैं कि अगर मार्केट अगर कुछ अड़क समझो थोड़े से रुक के चल रहा है, धीरे से चल रहा है, फिर रुक रुक के चल रहा है, इसके दर्शाता है। तो इसमें कुछ यहाँ पे जो शेयर्स है, स्टॉक है, इसमें आपको कुछ दिशा आपको ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ब्रेकआउट होने के चांसेस है, टॉप बॉटम इस तरीके से। अगर ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, बाजार अगर ट्रेंडिंग है, इसमें भी आपको एक भाव में अच्छा खासा आपको एक सकारात्मक डाइवर्जन मार्केट बॉटम है ये संकेत देता है, ऑन या नकारात्मक डाइवर्जन हो रहा है, मार्केट टॉप बॉटम के संकेत मिल जाते हैं, यानी टॉप और बॉटम के संकेत इसमें मिल जाते हैं। लेकिन ज़्यादा फोकस उसका एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर होगा, वो हम ज़्यादातर बात करेंगे कि यार ये किस तरीके से काम करता है, ये सबसे बढ़िया होगा। ये जो आपके सामने हम बताएंगे वो इस तरीके से होगा कि एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, यानी कि आ कितना रहा है और जा कितना रहा है, यानी कि जो कि फ्लो है ये जाने का फ्लो है और ये आने का फ्लो है, इसमें ये समझो इस तरीके से, नहीं क्या। तो ये किस तरीके से काम कर सकता है कि एक अचूक प्रमाण आपको मिल जा रहा है अगर किसी स्टॉक में वैल्यूम के बारे में बात करें। तो इसका उपयोग वही होता है कि वैल्यूम जोड़कर जो कि जो एक लीडिंग सूचक आपको तैयार मिल जाती है, उसके प्रमाण पर ये काम करता है। अगर मार्केट समझो ट्रेंड में चल रहा है, यानी तेजी में मार्केट है समझो, नहीं क्या, और मार्केट बहुत तेजी में ऊपर से ऊपर इस तरीके से ऊपर जा रहा है समझो, नहीं क्या, इसमें अगर मंदी के कुछ संकेत हमें मिल जाते हैं तो इससे जो कि ट्रेड जो आने वाला है वो बढ़ेगा, ट्रेड में कंटिन्यू रहेगा या फिर साइडवेज होकर फिर इस तरीके से नीचे जाएगा या रिवर्सल होगा, इसके भी संकेत आपको इस तरीके से मिल जाते हैं, वो भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे स्टॉक के ऊपर। तो चलिए ज़्यादा आपका समय न बचते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरीके से रेंज दिखाई दे रही होंगी कि मार्केट की दिशा आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे देखिए ये मार्केट नीचे रहा, फिर यहाँ से ये मार्केट ऊपर चला गया। अगर हम बात करें समझो, अगर हम थोड़ी सी इसमें बात करें, ये मार्केट यहाँ से मार्केट ने समझो यहाँ से ये चला गया और इस तरीके से मार्केट ने एक ऊपरी जोन पकड़ा, कहाँ से, यहाँ से, तो इस तरीके से ऊपरी जोन पकड़ा और यहाँ से भी इस तरीके से ऊपरी जोन पकड़ा, फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से जाने के बाद थोड़ा सा साइडवेज मार्केट रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थोड़ा साइडवेज मार्केट रहा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये साइडवेज मार्केट रहा यहाँ पे इस तरीके से, फिर ये एक मूवमेंट आई उसमें तो ये ऊपर चला गया, फिर एक मूवमेंट आई इसमें ऊपर चला गया, फिर थोड़ा सा साइडवेज रहा, फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर थोड़ा सा नीचे नीचे थोड़ा सा यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे आया और फिर इसने ऊपर चला गया, फिर इसने एक अच्छा मूवमेंट पकड़ी ऊपर चला गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया और आप यहाँ पे देख सकते थोड़ा सा नीचे आने के बाद साइडवेज चला गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, अब ये ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बॉटम बने हैं, कुछ रेंज बनी है समझो, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे भी आप कुछ देख सकते हैं कि इसमें कुछ बॉटम बने हैं, कुछ इसमें सपोर्ट बने हैं, इस तरीके से आपको थोड़ा सा एक अंदाज निकल रहा है। जो हम डिस्ट्रीब्यूशन डाइवर्जन से बात कर रहे थे उसी प्रकार से मार्केट में किस दिशा में वो आ रहा है और किस दिशा से जा रहा है,
तो हमें ट्रेंड में समझ आता है कि समझो तेजी का मार्केट चल रहा है अभी, अभी तेजी में मार्केट है, समझो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक मार्केट तेजी में चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि तेजी में मार्केट जाने के बाद भी थोड़ा सा रिवर्सल आता है इस तरीके से, तो यह सब देख सकते हैं कि थोड़ा सा रिवर्सल आया इस तरीके से, नहीं क्या ये सर इस तरीके से। तो यहाँ पे भी वो दिखाता है कि यार इस तरीके से रिवर्सल आ गया है। तो एक थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बड़ा जूम आपको जूम करके दिखाएंगे बड़ा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये किस तरीके से हो रहा है, समझो नहीं क्या। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार किस तरीके से बढ़ रहा है घट रहा है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक बड़ा फिर घटा बड़ा फिर घटा, तो इस तरीके से। तो मार्केट तो हर दिशा में आपकी तरफ एट्रैक्टिव करता है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर पूरा, अगर थोड़ा सा और एक एनालिसिस करें थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पे टॉप है, हम यहाँ पे टॉप देते हैं ये, और ये जो टॉप है इसने यहाँ पे तोड़ा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे तोड़ा है। लेकिन उसके नीचे मार्केट ने इस तरीके से मूवमेंट पकड़ी है और इस तरीके से नीचे गया है, समझो यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा इसमें इस तरीके से रहा है लेकिन तदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, जो कि हम कहते थे ब्रेकआउट टॉप बॉटम जो बनाता है वो हमें दिखता है। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं ये सपोर्ट, हम कह सकते हैं कि ये सपोर्ट बना, उसके नीचे जहाँ जहाँ इसने सपोर्ट बनाया फिर उसने ऊपर मार्केट गया, अगले इस प्राइस के नीचे नहीं आया है, समझो ये देखने वाली बात है। अब इसके नीचे वो मार्केट अभी तक नहीं आया, इस बॉटम जब बना इसके, समझो ये कितने 1900 की रेंज है, समझो इसके नीचे आया हमें मार्केट नहीं आया फॉर एग्जांपल, फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे एक सपोर्ट हमें मिला यहाँ पे, ये रेंज 2100 की रेंज है, 2100 के नीचे वो मार्केट नहीं आया। अब ये रेंज हमें दिखा रही 2100-2500 की रेंज है, अब ये वाली रेंज। तो इस तरीके से मार्केट उतना नीचे नहीं जाता, वॉल्यूम के हिसाब से आपका काम करता है, तो ये बहुत बढ़िया है। आप इसमें कुछ अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, इसमें आप वॉल्यूम के हिसाब से बहुत बढ़िया है, वॉल्यूम बैलेंस के हिसाब से कितना स्ट्रॉन्ग मार्केट, यहाँ से देख ही सकते, यहाँ से कितना बुलिश मार्केट गया, समझो यहाँ से समझो इस तरीके से ये मार्केट। तो ये जो था वो थोड़ा सा एक मुख्य तौर पर एक्लोशन और डाइवर्जन की वीडियो था कि फ्लो कितना आ रहा है, फ्लो कितना जा रहा है, इस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। अगर वो बात करें समझो इस लेवल की, यहाँ से और यहाँ से, समझो ये दो लेवल मार्केट इस दिशा में, मार्केट ने ऊपरी यहाँ पे सतह बनाई है इस दिशा में, तो यह इसने इस तरीके से मार्केट ने ऊपरी दिशा बनाई है, यानी कि मार्केट बुलिश रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये जोन देखेंगे, ये जोन तो मार्केट साइडवेज रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट साइडवेज रहा है, पर ये जो जोन देखें वो भी एक बुलिश रेंज आपको बताती है, ये मार्केट बुलिश में रहा है। तो एक आपको निकाल सकते हैं मार्केट का अंदाज इसमें से आ सकता है। तो आज की वीडियो हम यही ठहरते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।